हेलो गाइस, सो दिस इज़ बादल ठाकुरी एंड यू वाचिंग द बीटी मकबैंग। तो आज मैं खाने वाला हूँ चिकन ग्रेवी, 3 सनी साइड अप एग्स और मेरे पास 8 या 9 करीब चिकन फीट है, बटर नान जो कि मैं ग्रेवी के साथ खाने वाला हूँ, और कुछ सैलेड है मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने रखे हुए हैं। और जहाँ से मैंने ये बटर नान लिया था उनकी ये ग्रीन चटनी है मेरे पास। पहले मैं बटर नान अभी थोड़ा हार्ड हो चुका है, मैं 9:30 बजे के करीब जॉब से आया था तो तभी मैंने ये बना ऑर्डर दिया था बनाने को। तो अभी करीब लगभग कोई 1 बज रहा है और मैं रात को शूट कर रहा हूँ। मौसम बाहर थोड़ा अच्छा हो चुका है, तो ये है कुछ। लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा देसी घी डाल लेते हैं ऊपर, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो इनका जो घी था वो सूख गया हुआ है नान के साथ ही। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया, चिकन के साथ कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन तो बनता ही है।
जब मैं अलग से देसी घी डाल रहा हूँ उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना बटर नान और चिकन ग्रेवी के साथ, मैं बता नहीं सकता। कभी ट्राई करना ऐसा अलग से देसी घी डाल के। मैंने देसी घी अमूल का लिया, मैंने पापा कुछ दिन पहले लेके आए थे तो मैंने सोचा यूज़ कर लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सनी साइड अप एग्स और चिकन ग्रेवी के साथ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। चिकन ग्रेवी विद सनी साइड अप एग्स, बिग बाइट। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, इसने ऐसे ही जगह घेरा हुआ पूरा। नान जो है थोड़ा सफ़ेद हो चुका है और ऑब्वियसली वो तो होगा ही थोड़ा, रात के 1 बज रहे हैं और 9:30 बजे का बनाया हुआ है बाहर से। आई थिंक शायद चटनी से चटनी ख़राब होगी, इनकी स्मेल आ रही है थोड़ी थोड़ी। ना मैं नहीं खा सकता ये। एक्चुअली कोई कोई चटनी में क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा, मूली मूली जिसको आप क्या बोलते हो, हाँ वो यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि चटनी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती चटनी। मुझे इंग्लिश में नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना।
इनफैक्ट मैं जहाँ पे मेरी जो फेवरेट जगह है जहाँ पे मैं चिकन ग्रेवी और ये बटर नान खाने जाता हूँ वहीं से मैंने ये बटर नान लेके आया हूँ। एक्चुअली इस बटर नान को लगभग 3 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी भी सॉफ्ट है, ये इतना हार्ड नहीं है। और मेरी फेवरेट जगह है वो। मुझे लगता है बाहर ना बारिश हो रही है, एक दो दिन से जम्मू में मौसम बहुत अच्छा है। और यार दो वीडियो में तो बोला नहीं था मैंने लेकिन इस वीडियो में बोलूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। पता क्या कि आप लोगों के ये चीज़ करने से ना हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। सनी साइड ऑफ एक्स। मैंने पहली बार होटल में बनाया था, मेरे को पता भी नहीं था कि एक्स के भी अलग अलग डिशेज होते हैं। कोई स्क्रम्बल्ड एग होता है, कोई सनी साइड ऑफ एग होता है, और भी होते हैं काफ़ी। मैं जब भी इनकी शॉप में जाता हूँ दो से ज़्यादा नान नहीं खा सकता, दो से ज़्यादा मतलब कि नामुमकिन नहीं है नान खाना, बहुत हैवी नान होता है। मैं पहले सोच रहा था कि राइस भी ऐड कर लेता हूँ लेकिन मम्मी बोलते पहले ये तू कर ले, नेक्स्ट टाइम जब कभी बनाएगा तो राइस ऐड कर लेना, पहले ये चीज़ खा ले। रात के 1:30 बजे किसको मन करेगा कुछ खाने के लिए, लेकिन मैं तभी भी वीडियो शूट करने के लिए ये सब करना पड़ता है भाई।
वैसे बटर नान का ज़्यादा कॉम्बिनेशन बटर चिकन के साथ होता है। बटर चिकन मैं इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बटर चिकन खाना। वैसे तो मैं ग्रेवी खाता हूँ, ग्रेवी चिकन। नाम थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा था, अभी लास्ट बाइट मेरे को अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड्स, मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे को ये बोलते हैं कि तू बहुत आस्ता खाना खाता है। गाइस कमेंट करके बताना कि खाना आस्ता खाना चाहिए या फिर जल्दी में खाना चाहिए, एक बार कमेंट करके बता देना बस। आप, मैं तो आस्ता ही खाता हूँ। आप देख रहे होंगे एक बाइट को मैं कम से कम बहुत बार जब आता हूँ उसके बाद खाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ है ना, स्टार्टिंग में मत पीना भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ। ये चीज़ ना पेट भर देती है, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। मैं कोशिश करूँगा इसको एंड में पीने का। ग्रेवी लाजवाब है यार। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सच में जो चीज़ सही है वो सही है। लास्ट पीस चिकन लेग पीस। तो गाइस आज का मील जो है पूरा ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ी सी एक ग्रेवी बची है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो और हमेशा खुश रहो। गुड बाय। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यार।